ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने जांजगीर जिला में 6वीं और प्रदेश की 176वीं जनसुनवाई की। जांजगीर चांपा जिले के लंबित 187 प्रकरण को देखते हुए महिला आयोग ने इस बार 2 दिन तक 40-40 प्रकरण की सुनवाई करने की तैयारी की है। जन सुनवाई में कई महत्वपूर्ण मामलों को सुना गया। इस दौरान एक के मामले में पति पत्नी ने आयोग के सामने एक साथ रहने की सहमति दी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बलोदा थाना के चांदी पहाड़ में साधु द्वारा गांव की महिला को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के मामले का हवाला देते हुए महिलाओं से साधुओं के प्रभाव में ना आने और अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने का आह्वान किया। मेरे कार्यकाल की ये 176वीं जन सुनवाई है और जांजगीर जिले में आज 6वां सुनवाई है और केसेस की संख्या जांजगीर से लगभग 187 प्रकरण थे, तो हमने इस बार 2 दिन की जन सुनवाई रखी, कल और सुनवाई होगी। और पूरे इस कार्यकाल का 2 महीने का समय मेरा शेष है। इस बीच हमने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के माध्यम से भी पूरे सभी जिलों में अवेयरनेस का काम किया है, संभाग स्तरीय सम्मेलन भी हमारे हुए हैं और लगातार हम महिलाओं को उनके प्रताड़ना से मुक्त कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारे पास जितने मामले आए हैं उसमें कुछ मामले जो महत्वपूर्ण हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगा बताने के लिए, क्योंकि इससे अक्सर ग्रामीण महिलाओं को रूबरू होना पड़ता है। धर्म की आड़ पर या धर्म के नाम पर डरा धमका कर किसी महिला का शारीरिक शोषण करने वाले तथा कथित साधु या गौशाला के संचालक, जिनके ऊपर 376 की रिपोर्ट भी यहाँ के दर्ज हुई थी चांदी पहाड़ गौशाला के, उसमें की पीड़ित महिला आई थी और आज उनके पति पत्नी के बीच का मामला खत्म हुआ है समझौते से, परंतु मुझे लगा कि इस मामले को हमें अवेयरनेस के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मैं आप सबके माध्यम से महिलाओं से अपील करती हूँ कि कभी भी धर्म का नाम लेकर आने वाले साधुओं से हमेशा के लिए बचें, जो कि आपको और आपके घर परिवार को तबाह करने के चाले चलते हैं या आपका शोषण करने का कोई मार्ग ढूंढते हैं। तो कृपया महिलाएं ऐसे ढोंगी साधुओं से बचें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।